हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए? मैं एक जॉब में हूं, क्या जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में लग जाऊं? क्या मेरे पास जो कैपिटल है वो सफिशिएंट है मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग करियर बनाने के लिए? सर, मेरे घर में बहुत नीड है। अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो ही वो नीड पूरी कर पाऊंगा, नहीं तो सैलरी से मेरा काम नहीं चलता है। सर, मेरा जॉब बहुत मुझे परेशान करता है। मुझे लगता है छोड़ छाड़ के बस अब शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने उतर जाऊं। ये सब क्वेश्चंस इतने आम हो गए हैं, इतने कॉमन हो गए, इतने मुझे मिलते हैं कि मैं इनका क्या जवाब दूं? क्या ट्रेडिंग फॉर लिविंग करना चाहिए? क्या ट्रेडिंग करके घर चल सकता है? ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत जरूरी है। आज तक आपने देखा होगा कई फेस टू फेस के अंदर में मैंने चर्चा की है कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजी, टेक्निक और लाइफ ऑफ अ ट्रेडर। मुझे लगा अब समय आ गया है कि एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया जाए और उनके साथ किया जाए जिन्होंने ये जीवन जिया है कि जॉब छोड़ के, अच्छा खासा जॉब छोड़ के जो ट्रेडर बने हैं और फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपना फैमिली को चला रहे हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रेडर से ज्यादा वो मार्केट को समझ रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस है मार्केट से कि वो लॉन्ग टर्म वेल्थ भी इस मार्केट से क्रिएट कर पाएंगे। क्यों दोस्तों, आपको ये जीवन जीना है ना, जॉब छोड़ के मार्केट में फुल टाइम लगना है, राइट? लगता है ना इजी है? अरे इजी तो है, लेकिन उसके कई डूज एंड डोंट्स हैं। आज की इस फेस टू फेस में ट्रेडिंग फॉर लिविंग के डूज एंड डोंट्स समझेंगे और मेरे जो गेस्ट हैं आज के फेस टू फेस में वो हैं आशीष गुप्ता। आशीष, हे विवेक, आई हेलो, हाउ आर यू? वेरी एम डूइंग गुड विवेक, थैंक्स। हाउ आर यू? गुड इंडीड, एंड आई बिकम मच बेटर आफ्टर सीइंग यू। आपको देख के और मन खुश हो गया। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर तो वार्म आशीष, इंट्रोडक्शन। कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन ये थीम का? बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है। आपने बोला कि ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग इजी है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे हम। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग इट्स नॉट इजी, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट थीम, हाउ इट इज डिफिकल्ट एंड व्हाट वन शुड लुक फॉर, यू नो, बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन ऑफ गोइंग इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग। वी विल टॉक अबाउट दैट। एब्सोल्युटली। तो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक अच्छा गाइडेंस देंगे मेरे लर्नर्स को, क्योंकि आप उसी बैकग्राउंड से आते हैं। आई थिंक हम्बल फैमिली बैकग्राउंड, समवन हु हैज डन इज इंजीनियरिंग, देन एमबीए, देन वर्क विद सम एंटरप्राइज। तो आपका प्रोफाइल पहले बताइए, आई थिंक उससे बहुत लोग रेजोनेट करेंगे कि अरे ये तो मैं ही हूँ, और शायद एक डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प मिल जाए कि क्या मुझे आशीष बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बताइए आशीष आपके बारे में। श्योर विवेक। सो मैंने बीटेक किया था 2007 में। आई पास आउट ऑफ एनआईटी इलाहाबाद, तो वहां से मैंने बीटेक किया। फिर उसके बाद मैंने जॉब किया 2 साल। आई वाज वर्किंग विद आईबीएम, एंड आईबीएम में ही मैंने अपना फर्स्ट डीमैट अकाउंट ओपन किया, और थोड़ी बहुत ट्रेडिंग, ट्रेडिंग नहीं बोलूंगा, इट वाज मोर ऑफ इन्वेस्टिंग। किसी ने कुछ स्टॉक सजेस्ट किया या मेरे को लग रहा है कोई एक स्टॉक अच्छा है तो उसको बाय कर लिया, एंड देन होपिंग टू सेल इट हायर। तो वो जो मेंटेलिटी के साथ में थोड़ा स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, एंड एफएनओ में ट्रेड करता भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि एफएनओ भी जैसी कोई चीज़ है। देन आई डिड माय एमबीए फ्रॉम निटी निटी मुंबई, सो दैट वाज इन 2009 टू 2011, जहाँ पे मेरे को एक्सपोजर मिला कि एफएनओ जैसी कोई चीज़ है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी है मार्केट में जिससे पैसा बन सकता है। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन एफएनओ आफ्टर बीइंग आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम नेटी। एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैंने एफएनओ में ट्रेडिंग स्टार्ट किया। सो इट वाज नॉट गोइंग गुड, लाइक इट हैपेंस विद एवरीवन एल्स। आप आपको लगता है कि बहुत सिंपल है, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे पैसा बनेगा, मार्केट नीचे जाएगा पुट बाय करेंगे पैसा बनेगा। और जो उसमें होता है कि 20 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 200 भी हो सकता है, या 20 रुपए वाला पुट ऑप्शन 200 भी हो सकता है, तो ये बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। ये ऐसा लगता है कि बस अब कर लेना चाहिए, अब इसमें बहुत सारा पैसा बन सकता है, बट एक्चुअली वैसा होता नहीं है। सो आई बीन थ्रू दैट फेस वेर इन इट वॉज नॉट ईजी टू मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग एफ एन ओ। देन आई स्टार्टेड लर्निंग मोर अबाउट इट, यू नो, इसके बारे में थोड़ी और मैंने रिसर्च करी, थोड़े
बुक्स वगैरह पढ़े, यूट्यूब पे कंटेंट देखा, बहुत बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, अब तो और भी ज्यादा है। सो दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड टेस्टी ट्रेड। ये यूएस बेस्ड चैनल है, मैं इसके बारे में बहुत वोकल हूँ, मैं ट्विटर पे काफी एक्टिव हूँ और इसके बारे में काफी बात करता रहता हूँ कि इफ वन इज लुकिंग टू सेल ऑप्शंस, दे शुड रियली लुक इनटू कंटेंट बीइंग प्रोवाइडेड बाय टेसी ट्रेड। तो उस चैनल में मैंने काफी कुछ देखा, काफी कुछ समझा, और वो एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल थी जो मैंने स्टार्ट करी, सो इट रेजोनेटेड वेल विद मी। आई वॉज गेटिंग कंफर्टेबल इन ट्रेडिंग ऑप्शन, सो दिस वॉज अराउंड 14-15 काइंड ऑफ अ पीरियड। तो उसमें मैंने फिर स्टार्ट किया और लास्ट 5 साल से मैं सीरियस 5-6 साल से मैं सीरियस ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड देन व्हेन आई वाज कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, आई डिसाइडेड टू टेक ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करियर। सो दिस आई डिड इन मई 2019, एंड ये पूरा एक वेल थॉट आउट प्रोसेस था फुल टाइम ट्रेडिंग में जाने का। कितनी मेरी कैपिटल है, कितनी मुझे कैपिटल चाहिए मेरे एनुअल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एंड दूसरा सबसे मोर इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो अभी चल रहा है, जो लास्ट 2 साल से आई वाज प्रॉफिटेबल, तो क्या वो नेक्स्ट 2 साल भी मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो डू आई हैव अ बैकअप प्लान। तो वो सब थॉट्स के साथ में मैंने प्लान आउट करके ये फुल टाइम ट्रेडिंग का डिसीजन लिया, एंड टच वुड, इट इज रियली गोइंग वेरी गुड, एंड आई एम प्रेटी हैप्पी विद माई डिसीजन ऑफ डूइंग दिस फुल टाइम। सो फैंटास्टिक। दैट्स अबाउट तो इट। आशीष, जब आपने डिसीजन लिया होगा तो उस समय तो बहुत टफ डिसीजन रहा होगा, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू सेंड दैट रिजिग्नेशन ईमेल टू योर या एचआर विदाउट राइट एनी जॉब इन हैंड। तो मुझे एक बात या बताइए कि फिक्स सैलरी जो मंथ एंड में पैसे आते हैं, उसकी उसकी मधुर एसएमएस की वाणी की साउंड ही बड़ी बड़ी जबरदस्त होती है। तो आप जब छोड़े हैं तो फिर डू डिड यू प्लान समथिंग कि मेरा इतना कैपिटल हो गया था और मेरा एक फिक्स्ड इनकम का ये सोर्स बन गया था, नॉट मार्केट, कोई और तरीके से फिक्स्ड इनकम, चाहे वो आपका एफडी है चाहे कुछ भी है, और उससे मेरा घर खर्चा का एक स्टेबिलिटी आ गई थी, तब आपने छोड़ा, या आपको लगा कि नहीं मैं मार्केट से तो इतना कमाई लूंगा तो अब छोड़ देते हैं, मार्केट से कमाई हुई नहीं। तो इसका एक मैंने बेसिक सा रूल बनाया हुआ है कि अगर आपको ट्रेडिंग फुल टाइम करनी है तो जो आपकी कैपिटल है वो मिनिमम 6 to 8 times ऑफ योर एनुअल एक्सपेंस होनी चाहिए। अगर आपका एनुअल एक्सपेंस 10 lakh rupees है तो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल एटलीस्ट 60 to 80 lakhs होनी ही चाहिए। अब उसमें आप डिसीजन ये ले सकते हैं कि सारी कैपिटल आप एट वंस डिप्लॉय करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं या उसको चंक्स में डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, आई हैड अबाउट 8 times 7-8 times एनुअल एक्सपेंसेस वर्थ कैपिटल। तो मैंने उसको पूरा एक बार में डिप्लॉय नहीं किया, आई स्टार्टेड वेरी स्मॉल, मे बी अराउंड 2.5 to 3 times ऑफ माई एनुअल एक्सपेंसेस, उतने से ही कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया। उसको 6 महीने देखा मैंने कि जो मैं पार्ट टाइम कर रहा था वो फुल टाइम, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडिंग करने में इमोशंस बहुत आते हैं। पार्ट टाइम में आपको पता है कि आपके मंथ एंड पे सैलरी आएगी, फुल टाइम में ऐसा नहीं है, आपके मंथ एंड में पेचेक गारंटीड नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रॉफिट नहीं हो, तो आपको लगता है नहीं यार ये सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, मैं जो सिस्टम इतने साल से चला रहा था बढ़िया चल रहा था, अब ये सिस्टम अचानक से काम करना बंद कर गया। तो वैसे सब थॉट्स आते हैं। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उसको चंक्स में डिप्लॉय किया, तो थोड़ा कैपिटल पहले डिप्लॉय किया एंड देन 6 months देखा, 6-8 months अच्छा चला, फिर और कैपिटल जो जो मैंने सेव कर रखा था कि ये मेरे एक्सपेंसेस मीट करेगा, उस कैपिटल में से विदड्रॉ करके अपनी ट्रेडिंग कैपिटल में ऐड किया। तो ऐसा करते करते मैंने लास्ट 2 साल में एटलीस्ट 3 या 4 बार अपनी कैपिटल में सेविंग्स फंड में से ऐड किया है, एंड नाउ इट इज सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल कि जो मेरे जिसके प्रॉफिट से मेरा घर इजीली चल सकता है। और अभी भी मेरे पास सेविंग्स में सफिशियंट कैपिटल है कि अगर अभी इमीडिएटली ट्रेडिंग नहीं भी चले तो नेक्स्ट 1-2 साल तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने ऐसे प्लान किया। तो अगर आपकी कैपिटल इतनी नहीं है कि 6-8 times योर एनुअल एक्सपेंसेस, उसके उसके अलावा भी बहुत चीजें हैं। दिस इज बेसिस अजम्पशन दैट वी हैव अ ट्रेडिंग सिस्टम इन प्लेस, दिस इज बेसिस अजम्पशन दैट वी हैव बीन ट्रेडिंग दैट सिस्टम फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ इयर्स, दैट वी नो दैट दिस सिस्टम वर्क्स एंड वी आर प्रॉफिटेबल फ्रॉम दैट सिस्टम। तो वो सारी चीजें भी हैं, मैंने लिखी हुई हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। बट कैपिटल का अगर आइडिया किसी को चाहिए तो इतना तो होना ही चाहिए, अदरवाइज आप फुल टाइम तो बिल्कुल मत सोचिए।
आपने जो कैपिटल डाला, आपका जो सेविंग्स अकाउंट में जो कैपिटल पड़ा था, उसका सर्टेन परसेंटेज आपने मार्केट में डाल रखा है। तो एक अप्रोक्सीमेटली अगर माने कि आपके पास अगर 100 100 है, तो कितना आपने कैपिटल अकाउंट में अभी डाल रखा है ट्रेडिंग अकाउंट में? अभी ऑलमोस्ट 70 80 के आसपास होगा, अगर 100 तो है। अभी भी 20-30% आपने सेविंग्स अकाउंट में रख रखा है, उसको आप क्या कंटिंजेंसी जी, फंड मानते हैं? उसको किस पर्पस के लिए रख रखा आपने? मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें मेरे जो फंड्स है वो 50% से ज्यादा वैसे भी यूज नहीं होते, तो अच्छा, जो 70 आप डाल रखे हैं उसमें भी आपका आधा ही यूज होता है? आधा ही यूज होता है। 80% ऑफ टाइम मेरा आधा ही यूज होता है। रेयरली ऐसा होता है कि वो 60% या 70% तक जाए, तो बाकी जो फंड्स जो मैंने सेविंग्स में रख रखे हैं वो होने जरूरी है। आपके बैंक अकाउंट में सेविंग्स फंड्स होने जरूरी है, बिकॉज ट्रेडिंग कैपिटल अगर आपकी डिप्लॉयड है एंड इफ देयर इज एन इमरजेंसी एंड यू नीड द इमरजेंसी, यू नीड द फंड फॉर दैट इमरजेंसी, देन आप कहाँ से लाएंगे? एकदम तो पोजिशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते। तो ये उस थॉट के साथ में रखे हुए हैं, और मुझे अभी ऑनेस्टली उसकी जरूरत भी नहीं लगती कि मुझे अपना मतलब इमीडिएटली और ट्रेडिंग फंड इंक्रीज करना है। तो आई एम टेकिंग इट वेरी स्लो, जैसा मैंने पहले बोला, चंक्स में ऐड किया है अभी तक, करते आया हूँ, आगे भी ऐसे ही करेंगे। सही बात है। सो राशनिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, सोचा समझा हुआ काम करना जरूरी है। और कितना राइट, कैपिटल चाहिए और कितना कैपिटल के बिना काम हो नहीं पाएगा, ये सारा चर्चा हम लोग करेंगे, आशीष से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एक दे दीजिएगा, ताकि और मोटिवेशन आ जाए हम लोगों को रिकॉर्ड करने में। आशीष, मैं आपको एक प्रेजेंटर बना रहा हूँ। मुझे पता है कि आपने एक बहुत प्यारा सा प्रेजेंटेशन हमारे लिए बनाया है और आप वो शेयर भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन आशीष ने बहुत जनरस होकर हमको बोला कि ये मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे लिंक में ये प्रेजेंटेशन डाल दूंगा, आपको देखना है तो आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अभी चलते हैं आशीष के साथ और बातचीत करते हैं और उनका प्रेजेंटेशन को यूज करते हुए और बातें सीखते हैं। विवेक, मेरी स्क्रीन पे ये दिख रहा है प्रेजेंटेशन? हाँ, प्रेजेंटेशन आपका दिख रहा है आशीष। ऑल राइट। तो मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और सेटअप वगैरह उन सब के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा एजेंडा सेट करना चाहता हूं इस फेस टू फेस का। आपने काफी हद हाँ तक कर दिया है विवेक, बट थोड़ा सा और ऐड करूंगा उसमें, कि मैं यहाँ पे कोई भी सेटअप या स्ट्रेटजी शेयर नहीं करने वाला हूँ, कि जिससे आप उस स्ट्रेटजी को अगले दिन से प्लग एंड प्ले करें और अगले दिन से आप शेयर मार्केट से पैसा बना सकें। मेरा पर्सनल बिलीफ है दैट इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेटजी। आप बहुत बहुत बेसिक सी स्ट्रेटजी, जैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो मैं उस पर बाय करूंगा, उसके साथ भी आप पैसा बना सकते हैं, बट ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रेटजी। बहुत और सारी चीजें हैं जो लगती हैं सक्सेसफुली ट्रेड करने में, तो उनके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको कोई सेटअप मिलेगा तो आप ये वीडियो नहीं देख आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कैसे हम ट्रेडिंग को अप्रोच करें और कैसे सक्सेसफुल बने ट्रेडिंग में, तो आपको ये वीडियो कंटिन्यू करना चाहिए। तो विद ठीक है, दैट थैंक यू। एजेंडा या विद दैट एजेंडा आई विल स्टार्ट। सो बिफोर आई टॉक अबाउट माई ट्रेडिंग स्टाइल, ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट कर्व है, तो ये उन्होंने एक स्टडी किया हुआ है जिसका लिंक भी, एक वीडियो का लिंक मैंने इसमें दिया हुआ है। तो इस इफेक्ट के हिसाब, इस कर्व के हिसाब से क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जब किसी फील्ड में स्टार्ट करता है, जब किसी नए फील्ड में स्टार्ट करता है, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम हाई होता है। तो उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ के उन्होंने जो ज्ञान लिया है वो बहुत बहुत इनफ है। और तो सेम अप्लाइज टू ट्रेडिंग ऑल्सो। आपको लगता है कि आपने मतलब दो चार टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स पढ़ ली है या थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है, दो चार लाइनें खींचने लगे हो, तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो इसको पीक ऑफ माउंट स्टूपिड बोलते हैं, मतलब स्टूपिडिटी का पीक है एक तरह से, जब आपको लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है और आप ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनाते हैं। फिर रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार, ये ऐसा नहीं होता, लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं एंड देन यू रियलाइज दैट इट इज नॉट इजी। सो दैट वो जो कर्व है वो फिर वहां से नीचे आता है, और फिर एक एक पूरा निराशा भरा ऐसा हो जाता है कि यार नहीं, इससे तो बिल्कुल पैसा नहीं बन सकता, मैंने तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी। सो वो अगर आप ओवरकम करके कंटिन्यू करते हैं वो फेज को, जिस फेज में आप कंटिन्यूअस लॉसेस, आपने कई सारे सिस्टम्स ट्राई कर लिए, कई
कई सारे मेथड्स ट्राई कर लिए बट आपके लॉसेस होना बंद नहीं हो रहे, और वो फेज को जब आप ओवरकम करके अपनी लर्निंग्स को और इम्प्रूव करते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं, देन जो रियल लर्निंग कर्व है वो स्टार्ट होता है। तो ये जो शुरू का लर्निंग कर्व रहता है वो बहुत ही ऐसा स्टूपिडिटी वाला रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट से पैसा बन सकता है, इजी है पैसा बनाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालें, आप उसके लिए काम नहीं करें और पैसा बन जाए। तो वो पॉसिबल नहीं है। जो जो एक थ्योरी है कि किसी भी फील्ड में आपको एक्सेल करने के लिए 10,000 आवर्स चाहिए होते हैं, वो ट्रेडिंग में भी अप्लाई होते हैं। तो आपको मतलब एफर्ट डालने पड़ेंगे, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी, तभी आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। तो मैं अपने स्टाइल और इन सब चीजों के बारे में बात करूं, आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल तो लर्निंग कर्व। आप अभी आप कहाँ पहुंचे? आप गुरु जोन में आ गए हैं? ओके, सो नाउ नाउ आई विल टॉक अबाउट माय ट्रेडिंग स्टाइल। सो मेरा आशीष, ट्रेड, आशीष मेरी आवाज आ रही है? हाँ विवेक, आ रही है ना? तो इसके पहले वाले स्लाइड में मुझे बताइए आप कहाँ पहुंचे हैं अभी, गुरु जोन? वेट अ सेकेंड, नहीं, मैं स्लोप ऑफ एनलाइटेड एनलाइटेनमेंट पे होऊंगा, यहाँ कहीं होऊंगा मैं। अच्छा, चलिए, अच्छा बात है। देखिए क्या होता है कि लाइक शेयर शेयर हाँ शेयर मार्केट में आप अपने आप को सक्सेसफुल तब तक नहीं बोल सकते जब तक आप एटलीस्ट 10-12 साल आप सक्सेसफुली उसको ट्रेड ना करें। सही बात तो है। मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हूँ, विच इज फाइन, आई एम डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ, विच इज ऑल्सो फाइन, बट हाँ डू आई कॉल माई सेल्फ अ गुरु? नो, आई एम नॉट अ गुरु। ठीक है, उसके लिए मेरे को बहुत टाइम लगेगा। अभी भी जो डिस्कशंस होते हैं, मेरे को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, मेरे को एक लिमिटेड जोन है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ और उसी के बारे में मेरे को आइडिया है। तो शेयर मार्केट में ऐसा बहुत होता है कि आप 4-5 साल तक अच्छा पैसा बना रहे हैं, देन सडनली यू ब्लो अप। वी कीप हियरिंग सच स्टोरीज, राइट? तो आपको, अगर मैं अपने आप को गुरु बोलूँ तो ये तो जाती हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आई लाइक योर मॉडेस्टी। चले आगे बढ़ते हैं। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट बीइंग या मॉडेस्ट। ओके, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। तो मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो डेल्टा न्यूट्रल पोजिशनल ट्रेडिंग है, और मैं मोस्टली स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जिनका एफ टू एफ लिया है, मोस्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, बट मेरी ट्रेडिंग मोस्टली स्टॉक ऑप्शंस में रहती है। और डेल्टा न्यूट्रल से क्या मतलब है कि आई एम नॉट बेटिंग ऑन डायरेक्शन। सो डेल्टा मतलब डायरेक्शन, तो मैं डायरेक्शन में बेट नहीं करता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरी पोजीशंस मेरे को यील्ड करेगी या मार्केट नीचे जाएगा तो मैं पैसा बनाऊंगा। तो मैं मोस्टली डेल्टा न्यूट्रल और वोलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि किसी स्टॉक ऑप्शन की जो आईवीज है, जो वोलेटिलिटी है, वो सफिशियंटली हाई है, तो मैं उसमें शॉर्ट साइड में पोजिशन लूंगा। तो शॉर्ट साइड मतलब स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, वोलेटिलिटी को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो वहां पे एक डेल्टा न्यूट्रल, एक कॉल ले लिया से 16 डेल्टा का, और एक पुट ले लिया 16 डेल्टा का, और दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया। तो ये हो गई शॉर्ट वोलेटिलिटी ऑप्शन ट्रेड। तो जब जो वोलेटिलिटी होती है उसका नेचर होता है मीन रिवर्टिंग। तो अगर वोलेटिलिटी ऊपर जा रही है तो एट सम पॉइंट इन टाइम इट हैज टू कम बैक टू इट्स मीन, वो नीचे आएगी। ठीक है, तो उस पर बेटिंग होती है यहाँ पे मोस्टली। तो वो करते हुए कि वोलेटिलिटी मीन रिवर्टिंग है, प्लस आपके साथ टाइम एडवांटेज है, तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस का प्रीमियम में टाइम डीके होता है, तो वो है। बट प्राइमरीली टाइम डीके के लिए मैं ऑप्शन सेल नहीं करता हूँ, प्राइमरीली वोलेटिलिटी के हिसाब से ऑप्शन सेल करता हूँ। सो एक देन बार कॉन्सेप्चुअली आशीष, एक दो मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, क्योंकि कई श्योर श्योर, मेरे जो व्यूअर्स होंगे उनको शायद ये वोलाटिलिटी का कंसेप्ट नहीं पता होगा। तो एक बार बताइए ना कि ये वोलाटिलिटी जब आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब इम्प्लाइड वोलाटिलिटी की बात कर रहे हैं? हाँ, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है वो हाई है। हाँ और तो जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ से एट प्रेजेंट हिंडालको का, जी तो मैं जो फॉलो करता हूँ उसमें आईवीपी फॉलो करता हूँ। दो चीज होती है, एक आईवी परसेंटाइल होता है और एक आईवी, इसको विवेक जी इसको क्लोज कैसे करते हैं, ये जो विंडो आती है ना साइड में, इसको साइड कर दीजिए, देखिए हाँ साइड ऊपर होती में होती है। एरो। हाँ ठीक है ठीक है, ओके, एरो जो है, ठीक है, हाँ। सो मेरा जो रहता है इसमें दो चीजें होती है, एक आईवी परसेंटाइल होता है और एक आईवी रैंक होता है।
तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। मैं फॉलो करता हूँ आईवी परसेंटाइल। जी तो आईवी परसेंटाइल जब भी 70 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ने अभी दो कर रखे हैं, आईवी परसेंटाइल ऑन क्वार्टरली बेसिस और आईवी परसेंटाइल ईयरली, यूजुअली ईयरली होता है। तो लास्ट ईयर आईवी बहुत हाई थे मार्च के टाइम में, तो जो आईवीपी है इट वॉज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन अंटिल सम पॉइंट बैक इन टाइम। बट अभी आईवीपी ही फॉलो कर सकते हैं, आईवी परसेंटाइल क्वार्टरली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो आईवीपी अगर 70 से ज्यादा है देन इट कॉल्स फॉर अ गुड वोलेटिलिटी शॉर्ट ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छा कर सकता है। तो जैसे हेवल्स है, थोड़ा हेवल्स के रिजल्ट थोड़ा आने और वाले थे। बेसिक, थोड़ा और बेसिक समझाइए ना, ये आईवीपी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और बेसिक करिए ना इसको। ओके आईवी क्या है ओके, पहले बताइए ना, आईवी आईवी क्या है, कोई भी आईवी स्टॉक है के साथ। एम्प्लॉयड। हाँ तो निफ्टी का ही ऑप्शन चेन ओपन ओपन कर लेते हैं। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ठीक है। हाँ अभी निफ्टी अराउंड 15-200 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो ये जो हाँ आईवी है ये हाँ 16 है, ठीक है। ये हाँ कॉल साइड आईवी, पुट साइड आईवी 16 है और कॉल साइड आईवी भी अराउंड 16-17 है। ये एटीएम की आईवी देख रहे हैं हम, एट द मनी ऑप्शन की आईवी देख, ठीक है। तो अभी लास्ट ईयर में क्या हुआ था, जैसे मार्च के टाइम था तो मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी थी। तो जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, फियर होगा या अपसाइड में एक बहुत ही फास्ट मूव होगी, तो जो आईवीज है वो यूजुअली शूट अप करेंगी, क्योंकि राइट पता नहीं है कि मार्केट नीचे में अगर गिर रहा है तो कितना तक गिर जाए। तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उनमें एक फैक्टर रहता है आईवी का, कि अगर आईवीज हाई है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस के प्रीमियम्स हाई होंगे। गॉट इट। तो अगर आप ऑप्शन बेच रहे हैं, अगर आप, तो आप ये चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा महंगे ऑप्शन बेचें। जी तो अगर आपको महंगे ऑप्शन बेचने हैं तो उसका मतलब ये है कि आईवीज अगर हाई हैं तो आपको उनकी शॉर्ट साइड की ट्रेड देखनी है। तो ये बहुत ही जी बेसिक तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट एज सिंपल। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आईवीपी देखूं और आईवीपी 70 है तो मैंने ऑप्शंस बेच दिए। एक एग्जांपल देता हूँ इसका, गेम स्टॉप, आपने स्टॉक का नाम सुना होगा, जी यूएस में जी ट्रेड जी करता है, ठीक है। तो वो गेम स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन बढ़ने लगा था, तो जी 50 रुपए वाला, $50 वाला शेयर $100 हो गया, और उसकी आईवी जो थी वो उस टाइम 100 से ज्यादा थी, जी जी ठीक है। मतलब विच इज वेरी वेरी अनयूजुअली हाई। तो अगर आप उस पॉइंट पे सोचें कि आप उसकी वोलेटिलिटी शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो वोलेटिलिटी का एक नेचर और भी होता है कि वोलेटिलिटी इज परसिस्टेंट। तो इफ देयर इज राइजिंग वोलेटिलिटी इन द मार्केट, इट मे हैपन दैट इट विल कंटिन्यू टू राइज टिल सम मोर पॉइंट। तो वो कौन सा राइट पॉइंट है जहां से वो इन्फ्लेक्ट इन्फ्लेक्ट होके वापस मीन रिवर्ट करेगी, वो कोई गैस नहीं कर सकता है, ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। बट आप ये देखिए कि अगर आप फॉलिंग वोलेटिलिटी को शॉर्ट करेंगे, मतलब सफिशियंटली हाई है वोलेटिलिटी बट नाउ इट हैज स्टार्टेड टू गोइंग डाउन, आप स्टॉक प्राइस प्राइस एक्शन भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जब मार्केट बढ़ रही है तो आप ऊपर की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। उस टाइम पे आप नहीं सोचते ना कि मार्केट बहुत बढ़ गई है तो मैं शॉर्ट कर दूं, करेक्ट ये गलत होता है। अगर आप सोचे कि मार्केट बहुत बढ़ गई है मैं शॉर्ट कर दूं, सेम वॉलेटिलिटी के साथ भी है कि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है ऑप्शंस की, अब मैं शॉर्ट कर देता हूं, अब पैसा बन जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। तो आप वेट करिए वॉलेटिलिटी को काम डाउन होने के लिए, या वेट करिए स्टॉक को काम डाउन होने के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो बढ़ी हुई है वो किसी रीजन से है। तो उस बेसिस पे जब वॉलेटिलिटी नीचे आने लगे या जब स्टॉक सेटल हो जाए, मेरे दो क्राइटेरिया रहते हैं कि स्टॉक सेटल हो गया है, अनयूजुअल केसेस की बात कर रहा हूं मैं, यूजुअल केसेस में हाई वॉलेटिलिटी इज सफिशियंट टू ट्रेड। तो अनयूजुअल केसेस में जैसे गेम स्टॉप का एग्जांपल हुआ, या जैसे अपने यहाँ कोरोना हुआ था, जब तब मार्केट नीचे ही गिर रहा था, तो अगर उस पॉइंट इन टाइम पे आप वॉलेटिलिटी शॉर्ट करने जाएंगे तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। गॉट इट। ऐसे पॉइंट पे वॉलेटिलिटी शॉर्ट नहीं करनी है, कोई एक स्टॉक ठीक का है। तो एग्जांपल मैं ले लीजिए, बहुत, तो निफ्टी हुआ आशीष, कोई एक स्टॉक का हाँ एग्जांपल एक बार उस अपस्ट्रा के अंदर में ही, कोई भी एक स्टॉक हाँ जिसमें आपको नहीं, लगता है हाई वॉलेटिलिटी चलता हो, जैसे से अडानी। अभी हाँ अभी जो वे है भी वो ठीक है। दो सेक्टर में बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी है, वो है मेटल और फार्मा। तो अभी मेरी पोजीशंस भी है, जैसे वेदांता में मेरी एक पोजीशन है, हाँ ठीक है। तो मैं अभी लास्ट लास्ट वीक है एक्सपायरी का, तो मैं इस वीक में, लास्ट वीक में सेम मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन नहीं रखता हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ में रोल कर लेता हूँ। तो जैसे अभी वेदांता चल रहा है अराउंड 275,
जी तो मैंने इसमें 17 डेल्टा का पुट, 240 स्ट्राइक का ये बेचा हुआ है, ओके और ये 15 डेल्टा का कॉल है, 340 का हाईएस्ट स्ट्राइक अवेलेबल यही है। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने अभी बेचे हुए हैं, तो मैंने 2 दिन पहले ही बेचे हैं ये दोनों ऑप्शन। ये अभी 4.75 चल रहा है, ये मैंने 5.5 रुपये में बेचा था, और ये 340 का जो कॉल ऑप्शन है ये अभी 3.5 रुपये चल रहा है, और ये भी मैंने 5.5 रुपये के आसपास बेचा हुआ है। तो ये आशीष, दोनों दो ऑप्शन 2 दिन। दो क्वेश्चंस है, सॉरी सॉरी आशीष, हाँ मैं जी, हाँ आपको बॉदर कर रहा हूँ। ये डेल्टा जो आपने बोला, ये 14.5 डेल्टा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब, डेल्टा का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप अंडरलाइंग, जैसे एटीएम ऑप्शन की हम बात करें, तो एटीएम ऑप्शन का हाँ डेल्टा होता है 50, तो उसका मतलब ये है कि अगर अंडरलाइंग 1 रुपया बढ़ेगी तो मेरा जो कॉल ऑप्शन का प्राइस है वो 50 पैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो और पुट ऑप्शन का प्राइस जो है, अगर अंडरलाइंग एटीएम ऑप्शन का पुट ऑप्शन का प्राइस जो है, तो अगर अंडरलाइंग 1 रुपया नीचे आएगी तो वो 50 पैसा नीचे गिरेगा, तो पचास पैसे बढ़ेगा परसेंटेज पुट का, ऑप्शन का प्राइस। तो हाँ, परसेंटेज हो गया तो बेसिकली 14, तो 14.58 हो गया परसेंटेज। तो अगर अंडरलाइन 10 रुपया हाँ गिरा तो ये ऑप्शन 1.4 गिरेगा। हाँ ये कीपिंग इन माइंड कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, ऑप्शन की जो प्राइसिंग है वो सिर्फ डेल्टा बेस्ड नहीं है। तो हाँ मैं अगर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दूं, टाइम डिके कुछ हुआ नहीं है, वोलेटिलिटी वहीं की वहीं है, तो ये सब फैक्टर्स को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो सिर्फ डेल्टा का इंपैक्ट देखेंगे तो ये होता है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। और आईवी ठीक हो है। तो गया, मैं, पुट आईवी आपने बेचा 55% का आईवी में, और कॉल आईवी आपने हाँ, नीचे बेचा 60 का आईवी में। तो आप 61 में, क्या बेसिस पे, क्या बेसिस पे आप जज किए कि आईवी हाई है? ओके। तो अभी हम इसको ऑब्स्ट्रा में वापस डैशबोर्ड में जाते हैं और वेदांता देखते हैं, ठीक है। तो ये वेदांता का मैं आईवी चार्ट ओपन करता हूँ। जी दोस्तों, हम लोग ऑब्स्ट्रा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट आशीष यूज करते हैं तो इसीलिए वो उसको यूज कर रहे हैं। ना मेरा कोई कमर्शियल उनके हाँ साथ में लेना देना है, ना आशीष का लेना देना है। मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। जी, राइट। मैं 3-4 साल से ऑब्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ एंड आई फाइंड इट वेरी इजी टूल टू यूज, बट या मेरा भी कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो विवेक जी, ये देखिए आप, ये आईवी का चार्ट है इसका, ठीक हाँ है। इसको 10 डेज कर देते हैं, तो हाँ ये आईवी कंसिस्टेंटली इसकी अराउंड 62, ये देखो आप देख रहे हैं। और हम जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, एक होती है रियलाइज्ड वोलेटिलिटी, एक होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इम्प्लाइड हाँ वॉलेटिलिटी के बेसिस पे ऑप्शंस की प्राइसिंग है, और हिस्टोरिकल या रियलाइज वॉलेटिलिटी मतलब एक्चुअली कितना हुआ। तो आप देखेंगे कि आईवी हमेशा इसकी ज्यादा चल रही है, एचवी से ज्यादा चल रही है, ठीक है। तो मतलब एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बन सकता है एज लॉन्ग एज एचवी उसके नीचे है। तो ये एक अच्छा खासा फिल्टर होता है कि आईवी एचवी से ज्यादा है, 10 डे 30 डे एचवी से ज्यादा है, आईवीपी सफिशियंटली हाई है, देन अगर आप स्टॉक का भी प्राइस देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है वो। ये एक जो स्टीप रैली देखी, सॉरी, ये जो स्टीप रैली हमने देखी है उसके बाद अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये ट्रेड जब तक ये स्टॉक ऊपर 297, जो इसका ऑल टाइम हाई तो शायद नहीं है, बट अभी रिसेंट के हिसाब से काफी 52 वीक हाई तो एटलीस्ट है। तो जब तक ये ऊपर में 297 ब्रेक नहीं कर रहा है या नीचे इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तब तक ये ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डीके होते रहेंगे। और जब भी एक साइड की मूव आएगी तब फिर अपने को वापस सोचना है कि ट्रेड को रखना है, उसको एडजस्ट करना है, या ट्रेड में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उससे निकल जाना है। तो ये मतलब एक कुछ एक आइडियाज हैं जिसके बेसिस पे ट्रेड ली जाती है, ठीक फेयर इनफ फेयर इनफ। है। आई अंडरस्टैंड कि हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट हाँ एक मोटा मोटी आइडिया लग गया कि आप एग्जैक्टली करते क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ राइट, हाँ। तो मैं बहुत ही, ये सब जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं। तो अभी मैंने इसमें जैसे 16 डेल्टा स्ट्रेंगल्स बेचे हुए हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने का फायदा क्या होता है कि आप जो बेट साइज है आपका उस एक गिवन ट्रेड पे, उसको आप बहुत कम रखिए, और नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है उनको बहुत ज्यादा रखिए।
तो मेरी एक 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 टाइम पे कम से कम 10-12 स्टॉक्स में तो पोजीशन यूजुअली होती ही है गिवन माय अकाउंट साइज। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी 20-20 स्टॉक्स में पोजीशन है। तो ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है इसमें आपको एक गिवन ट्रेड से बहुत सारा पैसा नहीं बनाना है, आपको छोटा छोटा पैसा बहुत सारे ट्रेड से बनाना है। तो ये गॉट इट. वैसी ट्रेडिंग स्टाइल है जैसे ट्रेंड फॉलोइंग में एकदम अपोजिट होता है। यू टेक मैनी स्मॉल लॉसेस एंड देन यू टेक अ वन विनर विच ओवरकम ऑल योर लॉसेस। इसमें उल्टा होता ट्रू. है, आप छोटे छोटे गेंस बहुत ज्यादा रखते हैं एंड जो आउटलायर है जिसमें आपके लॉस आ रहे हैं उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि वो लॉस थोड़ा कम रहे, इतना ना हो जाए लॉस एक पोजिशन में कि आपके बहुत सारे गेंस को गेंस से ज्यादा हो जाए। तो ये उस सेंस में ये डिफरेंट स्टाइल है ट्रेडिंग। ओके. तो जैसे मैंने बात करी कि यूजुअली IVP ग्रेटर देन 70 सर्व्स एज अ गुड फिल्टर। तो ये एक क्राइटेरिया है ट्रेड लेने का यूजुअली। और बहुत सारे क्राइटेरिया है जैसे स्टॉक की रेंज में देखता हूँ, जो ऑप्शंस बेच रहा हूँ उन पे कितना प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है। जैसे ये वाले जो मैंने ऑप्शन बेचे उनमें ऑलमोस्ट 34,000 का प्रीमियम कलेक्ट किया है मैंने फॉर वन ट्रेड। तो उसमें यील्ड भी जल्दी मिल जाएगा और प्रॉफिट अगर स्टॉक रेंज में रहता है तो जल्दी प्रॉफिट हो जाता है। कितना कैपिटल पे? तो 34,000. सर मार्जिन के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, मार्जिन तो वो उसमें 1.5 लाख रुपए नहीं, 2 लाख रुपए से या 1.5 लाख का मार्जिन पे 34,000 मिल रहा है प्रीमियम पे. ओके 1.5 लाख नहीं होगा, 1.5 लाख निफ्टी ऑप्शन का है, आई थिंक ढाई ढाई लाख 3 लाख हो सकता है वेदांता ओके का। ओके गॉट इट. मैं वो देखता ही नहीं हूँ सर, मार्जिन में देखता ही नहीं हूँ कि मार्जिन कितना लग रहा है एक ट्रेड को डालने के लिए। मैं पोजिशन हाँ साइजिंग पे बात करूंगा तो उसमें मैं एक्सपोजर देखता हूँ कि उस स्टॉक में कितना एक्सपोजर है, उसके बेसिस पे मैं पोजीशन साइज करता हूँ। ओ अच्छा, समझ गया मैं. यू आर वेरी कंजर्वेटिव पर्सन. आई एम वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर। ठीक है, तो सही. स्ट्रेंगल्स जो है जो मैं डालता हूँ वो यूजुअली 30-35 डेज टू एक्सपायरी डाल देता हूँ। तो 16-20 डेल्टा ऑप्शंस होते हैं जिनमें हाई आईवी स्टॉक्स उनमें ट्रेड्स डालता हूँ। स्ट्रेडल और फ्लाइज जो है वो मैं टुवर्ड्स द एक्सपायरी डालता हूँ। उसका रीजन क्या है कि जो OTM ऑप्शंस होते हैं उनका डीके फास्टर होता है अर्ली इन द एक्सपायरी, और जो ATM ऑप्शंस होते हैं उनका डीके फास्टर होता है लेटर टुवर्ड्स द एक्सपायरी। तो जब एक्सपायरी में कम टाइम बचा है 12-15 दिन बचे हैं तब मैं ज्यादा स्ट्रेडल्स या फ्लाइज जिसमें स्ट्रेडल बेच दिया और OTM ऑप्शंस एज विंग्स बाय कर लिए वो सब करता हूँ। और लास्ट के कुछ एक दिनों में मैं रेशियो या कैलेंडर स्प्रेड्स को कभी भी डाल सकते हैं। तो रेशियो स्प्रेड अगर वोलेटिलिटी का स्क्यू है, जैसे मेटल्स जब भाग रहे थे सारे मेटल्स अभी रनिंग अप सो फास्ट, तो एक कॉल साइड में एक स्क्यू डेवलप हो जाता है। स्क्यू मतलब करेक्ट. कॉल साइड के सारे ऑप्शंस महंगे हैं, तो उस टाइम पे हाँ आप रेशियो ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप रेशियो ट्रेड्स ले सकते हैं जिसमें क्रेडिट हो कुछ और फिर आप होप करो कि वो स्क्यू नीचे आएगा या स्टॉक वहीं का वहीं रहेगा और जो आपने क्रेडिट लिया है वो मिल जाए। या फिर कई बार ऐसा जैकपॉट भी लग जाता है कि जो शॉर्ट स्ट्राइक है वो 1-2 दिन पहले एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले वहीं तक वहीं के आसपास ट्रेड कर रहा होता है, तो आपका कभी कभी जैकपॉट भी लग जाता है। वर्टिकल स्प्रेड्स में बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं मोस्टली इसको हेजिंग के जैसे देखता हूँ जहाँ पे मैं ATM ऑप्शन लॉन्ग करना करता हूँ। वर्टिकल स्प्रेड्स जो जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, ये सब मैं ट्रेड्स ज्यादा नहीं लेता हूँ। अर्निंग की ट्रेड्स लेता हूँ, अर्निंग से जस्ट पहले वोलेटिलिटी हाई होती है तो उसको शॉर्ट करता हूँ। तो वो यूजुअली फ्लाइज होते हैं जिसमें मैंने स्ट्रेडल बेचा हुआ है या और विंग्स बाय किए हैं या फिर स्ट्रेंगल्स होते हैं। और लॉन्ग साइड के ट्रेड्स मैं कब लेता हूँ, अर्निंग से जैसे 8-10 दिन पहले से मैं देखता हूँ कि ऑप्शन के IVs बढ़ने चालू होंगे बिकॉज अर्निंग आने वाला है तो सब ऑप्शन बाय करेंगे तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी अर्निंग से जस्ट पहले तक। तो 8-10 दिन पहले मैं आई एम ऑन अ लुकआउट टू गो फॉर अ लॉन्ग वोलेटिलिटी ट्रेड। तो बहुत सारे लॉन्ग वॉल ट्रेड लेता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ ल्यूपिन का। ल्यूपिन का ट्रेड मैंने लिया था 1070 का स्ट्रेडल लॉन्ग किया था, कॉल भी बाय की थी और पुट भी बाय की था। और ल्यूपिन का मैंने आई थिंक 8 या 9 दिन पहले लिया था और उस वो दिन 1070 के आसपास चल रहा था ल्यूपिन। नेक्स्ट डे ल्यूपिन में रनअप आना चालू हुआ और 1070 वाला लुपिन 1222 तक चला गया। मैंने बहुत कम पैसा बनाया उस ट्रेड में ऑनेस्टली,
बिकॉज मेरे उस दिन बहुत सारे ट्रेड्स थे, तो लॉन्ग वॉल ट्रेड में मेरा क्या आउटलुक रहता है कि अगर छोटा पैसा जैसे ही आए वैसे ही लॉन्ग वॉल ट्रेड में कट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो दिन मैंने वो बहुत जल्दी कट कर लिया, बट 90 रुपीज वाला स्ट्रेडल, 90 भी नहीं था, 85-87 रुपीज वाला स्ट्रेडल उस दिन ऑलमोस्ट 160-170 पे जाके क्लोज हुआ था। तो मतलब 80 रुपये एक लॉन्ग वॉल ट्रेड में उस दिन ल्यूपिन के आ सकते थे। तो ये स्टॉक्स में भी होता है, डायरेक्शनली भी जब आप ट्रेड करते हैं तो ऐसे मूव्स मिलते हैं। तो उस दिन जो है वो लॉन्ग वोलेटिलिटी वॉल ट्रेड में क्या हो गया कि आपको डेल्टा भी मिल गया और ऑप्शंस की वोलेटिलिटी भी बढ़ गई, तो दोनों तरह से फायदा हो तो आपने लिया क्यों था? डेल्टा व्यू था क्या आपका? गया। नहीं, डेल्टा व्यू नहीं था, मेरे उस दिन बहुत सारे पोजिशंस ओपन थे, तो मैं हाँ बाकी पोजिशंस देख रहा था। तो ल्यूपिन का मैंने ना चार्ट देखा उस दिन, ना कुछ किया, मैंने बस अपना M2M देखा और मैंने पोजीशन क्लोज कर दी। तो अच्छा वो कई बार होता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत सारे पोजीशंस होते हैं तो यू नो यू डोंट टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। तो वो मिस्टेक थी, बट आई रियलाइज फ्रॉम दैट मिस्टेक। तो सही ऐसा होता बात रहता है, ठीक है। है। और लास्ट में जो करता हूँ वो मंथ ऑन मंथ पुट्स शॉर्ट करता हूँ। तो पुट्स क्यों शॉर्ट करने हैं? क्योंकि मार्केट का जो इनहेरेंट नेचर है टू गो अप, तो अगर आपका पोर्टफोलियो में पूरा ट्रेडिंग डेल्टा न्यूट्रल है, मतलब रेंज बाउंड या आईवी के बेसिस पे आप ट्रेड्स ले रहे हो, तो पुट्स मैं शॉर्ट कर देता हूँ कि अगर मार्केट ऊपर गया तो वो पुट जीरो हो जाएगा, या अच्छा खासा जब डीके हो गया 50%, 60% डीके हो गया तो मैंने ऑप्शन बुक कर लिया। नहीं हुआ तो मैं फिर उन स्टॉक्स में डिलीवरी ले लेता हूँ। जैसे मैंने PNB में एक बार डिलीवरी ली हुई है, नेक्स्ट मंथ वापस PNB उस प्राइस के ऊपर आया तो मैं निकल गया। फेडरल बैंक में डिलीवरी ली हुई है, तो ये मैं पोर्टफोलियो लेवल पे करता हूँ। तो अगर आपका अकाउंट साइज 1 CR है तो 10-15% तक के एक्सपोजर के साथ पुट शॉर्ट कर सकते हैं। समझ गया, मैं समझ गया। इसलिए मैंने देखा कई लोग है ना स्ट्रैडल बेचते हैं और डरते नहीं है, क्योंकि क्या हाँ होगा, गिर जाएगा तो डिलीवरी ले लेंगे। हाँ स्ट्रेडल अगर बेच रहे हैं तो उसमें अपसाइड रिस्क रहती है, तो ऑलरेडी अगर डिलीवरी पड़ी हुई है हाँ वन पड़ी हुई मंथ है। वर्थ, हाँ 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 तो स्ट्रेडल बेच सकते हैं कि अगर नीचे गिर गया तो उसको मैनेज भी कर सकते हैं और डबल अप भी कर सकते हैं। अगर ऊपर गया तो डिलीवरी छोड़ देंगे, स्ट्रेडल पे जो प्रीमियम कलेक्ट किया है वो अपना हो गया, तो तो वो मतलब भी एक मैंने एक स्ट्रेटेजी फेस टू है। फेस रिकॉर्ड किया था, मैंने उनके साथ रिकॉर्ड किया था, प्राण कटरिया जी के साथ रिकॉर्ड किया था। जी वो जी बॉम्बे मैंने बेस्ड देखा है, है वो आपके स्ट्रेडल। काफी, वो ये काम करते हैं, वो मतलब बड़ा क्वांटिटी में करते हैं, स्ट्रेडल बेच देते हैं और शेयर लेके रखते हैं और एक्स्ट्रा। हाँ, मेरे को काफी पसंद आया था उनका फेस टू फेस, ऑनेस्टली हाँ, एक्चुअली ही वॉज उनका। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बस सीधी बात कर रहे थे, घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। हाँ, उनका ट्रेडिंग स्टाइल भी मेरे ट्रेडिंग स्टाइल से काफी हद तक मैच करता है। वो मेरे से भी ज्यादा कंजर्वेटिवली ट्रेड करते हैं, तो मेरे को मतलब काफी अच्छा लगता है उनको फॉलो करना, उनके ट्वीट ट्वीट्स देखना, और उनका फेस टू फेस भी मेरे को काफी पसंद आया था। चलिए, अच्छा बात है, बहुत अच्छा लगा। ये स्लाइड पूरा बहुत ही जमदार था, कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर, माथे के ऊपर से गया होगा। कई कॉन्सेप्ट्स जो आपने यूज किए हैं, थोड़ा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बट दोस्तों अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो ये सब वर्ड्स तो जानना ही पड़ेगा, तो सीख लो भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ओके, ट्रेड एडजस्टमेंट्स। तो ट्रेड एडजस्टमेंट अभी इसको भी कैसे सेल किया जाता है यू नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, कि आपकी कोई भी पोजीशन हो आप एडजस्टमेंट कर लो तो आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो ये एक ऐसा मैसेज दिया जाता है कि आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं, अगर आपकी शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन है तो आप फायर फाइटिंग करके बहुत सारा उसे लॉस से बाहर आ सकते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि एडजस्टमेंट कोई एक होली ग्रेल नहीं है जिससे आप शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन को हमेशा रिकवर कर लेंगे। एक जब हम ट्रेड कोई डालते हैं तो उसके पीछे एक आइडिया होता है। जैसे मैंने वेदांता की बात करी, तो वेदांता में हमने अगर ट्रेड डाली हुई है तो मेरा व्यू ये है कि वॉलेटिलिटी नीचे जाएगी, स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा और मैं पैसा बनाऊंगा। तो अगर स्टॉक में धीरे धीरे मूव आ रही है, से 300 तक ये नेक्स्ट 3-4 दिन में जाता है, तो मेरा डीके सफिशियंट हो गया है और मैं एडजस्ट करने की पोजिशन में हूँ। बट कल को अगर वेदांता 10% ऊपर खुल जाए और कुछ न्यूज है, तो वो जो 10% ऊपर खुला है वो 15% भी ऊपर जा सकता है, 20% भी ऊपर जा सकता है। तो या तो आप उसको एग्रेसिवली एडजस्ट करो
और या फिर आप एक हार्ड कॉल ले लो वहां पे कि नहीं यार अब इसमें लॉस इतना हो गया, अब मेरे को स्टेट से निकलना है। तो अगर आप एक हार्ड कॉल ले लेते हो तो उसके मल्टीपल एडवांटेज है, मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ। जी जी तो उसके मल्टीपल एडवांटेज ये है कि आप उस लूजिंग पोजीशन से बाहर निकल गए तो आपको वो पूरे दिन स्क्रीन पे नहीं रहेगा, आप बाकी अपनी ट्रेडिंग पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप लूजिंग पोजीशन में अटके रहेंगे, फायर फाइट करते रहेंगे, तो एक नई अपॉर्चुनिटी जो मिल सकती थी आपको किसी दूसरे स्टॉक में या कहीं दूसरे ट्रेड्स जो मिल सकते थे, वो आपने गवा दी और आपका सारा ध्यान उसी लूजिंग ट्रेड पे रहता है। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, 1% ऑफ माय अकाउंट साइज उसको रूल मानता हूँ। अब ये रूल भी अकाउंट साइज परसेंट टू परसेंट डिपेंड कर सकता है, बट मेरा जो है आइडिया ये रहता है कि एक ट्रेड पे अपनी कैपिटल का 1% से ज्यादा नहीं लूज करना। तो अगर कोई शॉर्ट ओके ऑप्शन पोजिशन में ऐसा हो गया कि 1% से ज्यादा हो गया तो मैं उस ट्रेड से निकल जाता हूँ, मैं उसको और एडजस्ट नहीं करता। तो मैंने इस पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है कि शॉर्ट स्ट्रैंगल पोजीशन को कैसे एडजस्ट करें, तो ये डेक और ये ब्लॉग उसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप वो पढ़ सकते हैं और उसको और डिटेल में समझ सकते हैं कि कैसे करें। ओके तो जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, और मिसफील्ड में रन नहीं लेना चाहिए, हाँ तो ये ऐसा है क्या कि अगर ट्रेड आपका गलत हो गया तो उसको अपने आप को बचाने के लिए आप उसमें और कॉम्प्लिकेशंस ऐड करना ये सही काम नहीं है, ऐसा मान सकते हैं? हाँ ये बिल्कुल। और ये आप तब कर पाएंगे जब आपकी पोजीशन साइजिंग इतनी कंजर्वेटिव होगी कि एक स्टॉक के 10% ऊपर जाने से आपके अकाउंट साइज को ज्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा। अगर आपकी ओके पोजीशन साइज कंजर्वेटिव नहीं है, अगर आप 10 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो और एक स्टॉक 10% बढ़ गया और उसमें 1 लाख रुपए का लॉस आ रहा है, देन इट इज 10% ऑफ योर कैपिटल लॉस। तब आप मजबूरी में आप देखोगे कि यार उसको कैसे एडजस्ट करूं कि वो 1 लाख का कैपिटल लॉस जो हो रहा है वो कम होकर 50,000 हो जाए या 40,000 हो जाए। एक विप्रो का एक क्वार्टर था जिसमें अर्निंग विप्रो ने अनाउंस करनी थी, तो विप्रो ने बहुत ही शानदार नंबर पेश किए और विप्रो का स्टॉक अगले दिन 10% गैप अप पे ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद वो 35% तक गया। अभी 2020 की बात है, साल भर पुरानी बात है। जी। तो आप सोचिए, अगर आपकी कैपिटल 10 लाख रुपए है, आपने एक लॉट विप्रो का स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल डाला हुआ है और आप उसको एडजस्ट करते बैठ रहे हैं, एडजस्ट करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, पुट ऊपर रोल कर दोगे, कॉल तो बाय करोगे नहीं, क्योंकि 10% ऊपर चला गया है तो आईवीज इतनी हाई है कि कॉल महंगी है, तो आप वापस नुकसान ही खाओगे अगर वहां से रिवर्स कर गया। तो आप पुट ही ऊपर रोल कर सकते हो। तो पुट ऊपर रोल कर करके आप कितना क्रेडिट ले लोगे कि 35% तक का मूव आप झेल सकते हैं, नहीं झेल सकते। तो ऐसी लूजिंग पोजीशन से आप जल्दी से जल्दी अगर बाहर नहीं आएंगे तो लॉस की जो लिमिट है वो बढ़ती जाएगी। तो आप, मेरा थंब रूल ये है कि आई ट्राई टू कीप माई स्टॉप लॉसेस एट 1% ऑफ माई कैपिटल इन वन गिवन ट्रेड। ऐसी मल्टीपल ट्रेड्स हो सकती है जिससे मेरा कैपिटल का एक मेजर चंक चला जाए, बट वैसा होता नहीं है, रेयरली। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि एक साथ मेरे जिन स्टॉक्स में पोजीशन है वो चारों पांचों स्टॉक्स 10-10% के सर्किट पे खुल रहे हैं। समझ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें मैंने लास्ट लाइन लिखी हुई है मैनेजिंग विनर्स। इसका मतलब क्या है कि आपको कब प्रॉफिट बुक करना है, ये भी आपको आना चाहिए। तो मेरा जो इसके लिए मैंने जो रूल बनाया हुआ है, ये सारी ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो टेस्टी ट्रेड वालों से मैंने बोरो की हुई है, आप ये मान सकते हैं, बट उसको मैंने इंडियन मार्केट के हिसाब से अडेप्ट किया हुआ है। तो मैनेजिंग विनर्स वो बोलते हैं, उनका स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल का कुछ रूल है, बट मैंने जो रख रखा है वो ये है कि अगर 25% ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड जो है वो डीके हो जाए, अगर मैंने जैसे जिस ट्रेड में, वेदांता वाली ट्रेड में मैंने अगर 30K लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर उसमें 7,500 मेरे को उस ट्रेड में पर लॉट आ रहे हैं, देन आई एम ऑन अलर्ट। आई एम ऑन अलर्ट से मतलब मैं फिर उसमें देखूंगा कि मेरे को या तो बुक करना है वो ट्रेड, या फिर मैं और एनालाइज करूंगा कि यार अभी तो बहुत बहुत ही रेंज बाउंड चल रहा है और आईवी सफिशियंटली डीके नहीं हुए हैं, आईवी सफिशियंटली नीचे नहीं गए, अभी और स्कोप है, मेरी और भी पोजीशंस नहीं है। तो ये सारे डिसीजन होते हैं उसमें लेने के लिए कि अगर और पोजीशन नहीं है तो वेदांता ही रखे रहेंगे, कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अगर कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसमें 25% 30% डीके हो गया है तो उसको बुक कर लेंगे, दूसरी पोजीशन डालेंगे। जो हमारा मोटिव है वो पैसा बनाना है, और इस स्टाइल में ये है कि आपको लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने हैं। सो ट्रेड स्मॉल ट्रेड ऑफन, जो मैंने यहाँ पे बोल्ड भी किया हुआ है, उसी मंत्रा के साथ जो विनर्स हैं उनको अर्ली मैनेज कर लेते हैं।
प्रॉफिट बुक होता जाता है। सही बात है, वेरी गुड। अब बात करेंगे पोजीशन साइजिंग की। नाउ इस पे मैं ज्यादा एम्फेसिस दूंगा। मैं ट्विटर पे भी काफी एक्टिव रहता हूँ और पोजीशन साइजिंग के बारे में बहुत बात करता हूँ। तो मेरी जो पोजीशन साइजिंग है वो मार्जिन बेस्ड नहीं है। एक निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। निफ्टी का एक स्ट्रेंगल डालने के लिए आपको केवल 1.5 लाख रुपए की मार्जिन लगती है, ठीक है। बट मैं निफ्टी का एक लॉट स्ट्रेंगल डालने के लिए, मेरे पास अगर 5.5 लाख रुपए अकाउंट में नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। और वो 5.5 लाख की फिगर कैसे आई है कि एक नोशनल वैल्यू करके एक चीज होती है, जिसमें आप अंडरलाइन का प्राइस लेते हैं और उसके कॉन्ट्रैक्ट साइज से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी तो 15,000 अगर निफ्टी का प्राइस है और लॉट साइज 75 है, तो इसकी अंडरलाइन का साइज हो गया 11.5 लाख, हाफ जी लैक्स, ठीक है। तो अभी मैं तो इसको एक्सपोजर बोलते हैं, तो निफ्टी का एक्सपोजर हो गया 11.5 लाख लगभग। तो जी मैं टू टू टाइम्स द एक्सपोजर से काम करता हूँ यूजुअली। रेयर केसेस में मैं 3 टाइम्स तक जाता हूँ, बट यूजुअली मैं 2-2.5 टाइम्स एक्सपोजर तक काम करता हूँ। तो जी अगर मेरे को निफ्टी में एक लॉट में ट्रेड डालनी है, चाहे वो नेकेड पुट हो, चाहे वो स्ट्रैंगल हो, चाहे वो स्ट्रैडल हो, तो मैं उसमें जब तक मेरे पास 5-5.5 लाख रुपए नहीं है, वो मैं नहीं डालूंगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ मार्जिन बेस्ड ऑप्शन सेलिंग ना करें। आप इसको नोशनल एक्सपोजर को देखते हुए अपना एक्सपोजर एटलीस्ट जब तक आप एस्पायरिंग है तब तक आप उसको 2x एक्सपोजर तक ही रखिए। बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चलने लग जाए, आपको प्रॉफिट होने लग जाए, तब आप उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज करिए। जी अच्छा, इसमें एक चीज और है कि लोग बोलते हैं कि यार मैं हेजेस बाय कर लूंगा, मैंने स्ट्रेडल बेचा हुआ है, मैंने ओटीएम ऑप्शंस बाय कर लिए, तो मेरी रिस्क तो डिफाइंड है। अनलिमिटेड रिस्क जो थी पहले वो अभी डिफाइंड रिस्क हो गई। तो वैसे नहीं काम करता है, क्योंकि आपके हेजेस जो है वो अगर आप थोड़े नजदीक के बाय करो तो उनकी कॉस्ट अच्छी खासी होती है। तो जो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड थी उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, और ऑप्शंस का जो यील्ड है, जो आपका पे ऑफ कर्व है, वो भी थोड़ा स्लो यील्ड देता है। और अगर आप दूर के विंग्स बाय करो, से 1,000-1,000 पॉइंट के दूर के निफ्टी में विंग्स बाय करिए जस्ट टू रिड्यूस मार्जिन, देन अगेन होता यही है कि वो ब्लैक स्वान इवेंट में वो ज्यादा सेव नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग एग्रेसिव है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ब्लैक स्वान इवेंट से बचना है तो आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो कंजर्वेटिव होनी ही चाहिए। अदरवाइज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि क्योंकि ये ब्लैक स्वान जब भी होगा तो वो किसी को बता के नहीं होगा, ऑल ऑफ अ सडन ही होना है। तो इस पे भी मैंने ब्लॉग लिखा है, एक पोजीशन साइजिंग फॉर ऑप्शन सेलिंग, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अभी स्मॉल अकाउंट्स में जो हमने अभी बात कर रहे थे ना विवेक जी, के कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं बेस्ड ऑन मार्जिन और बेस्ड ऑन एक्सपोजर, तो इसमें मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक अकाउंट वन है जिसमें एक्सपोजर के बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग करेंगे, तो 15 लाख का अगर अकाउंट साइज है तो हम 3 लॉट बेचेंगे। और एक अकाउंट टू है जिसमें हम मार्जिन के बेस पे ट्रेड करेंगे, तो 15 लाख में आप 10 लॉट तक ट्रेड कर सकते हैं। बट अपन मानते हैं कि आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो, 3 लाख रुपए आपने सो कॉल्ड एडजस्टमेंट्स के लिए रख रखे हैं और आपने 8 लॉट ट्रेड किया है, तो 8 लॉट ट्रेड करने का मतलब है 6 टाइम्स द एक्सपोजर। तो अगर किसी भी दिन कोई, और ये वीकली की बात कर रहा हूं मैं, सारे रिटेल ट्रेडर्स जो है वो बहुत ही ऑब्सेस्ड है वीकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन बेचने में, मतलब दे थिंक दैट इट इज इजी मनी। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ ये कि अगर किसी भी दिन बिग गैप अप होता है, गैप अप या गैप डाउन ईदर साइड, तो अगर 5% भी गैप अप हुआ तो एक लॉट पे लॉस जो है वो 300 पॉइंट का आएगा लगभग, ये मैंने रफ कैलकुलेशन की हुई है। तो अगर आपका अकाउंट वन है जिसमें आप एक्सपोजर के बेसिस पे कर रहे हो, तो आपका जो लॉस होगा वो 4.5% होगा। अकाउंट टू में जो लॉस होगा वो 12% तक हो जाएगा आपकी कैपिटल। और अगर यही बिग गैप जो 5% वाला है, यही मैं 10% मान लूं कि सर्किट पे नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है, तो अकाउंट वन का जो लॉस आएगा वो 18% ऑफ अकाउंट साइज होगा, लेकिन अकाउंट टू का लॉस होगा वो 50% अकाउंट साइज। तो आप सोचिए विवेक कि अगर आपका 50% कैपिटल किसी दिन उड़ जाए तो आप वापस ट्रेडिंग कर पाएंगे? मेरे को तो नहीं लगता कि मैं वापस ट्रेडिंग उतने अच्छे से कर पाऊंगा। तो यही एक प्राइमरी रीजन है कि मेरी जो पोजीशन साइजिंग रहती है वो बहुत ही कंजर्वेटिव रहती है। अभी रिसेंटली हमने सुना था आर्की गोज कैपिटल का,
बिल वॉन्ग करके, जिन्होंने अपनी 200 मिलियन डॉलर से वर्थ नेटवर्थ जो है वो 10 बिलियन तक ले गए थे ऑलमोस्ट विद इन मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स ओनली। और 2 दिन में वो पूरी कैपिटल, 10 बिलियन डॉलर की पूरी कैपिटल 2 दिन में स्वाहा हो गई। और उसका प्राइमरी रीजन जो था वो उनका एक्सपोजर था, 5.5 टाइम्स एक्सपोजर था उनका ऑन दैट डे जब उनकी कैपिटल उड़ना स्टार्ट हुई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मार्जिन बेस्ड सेलिंग मत करिए, आप हमेशा एक्सपोजर के हिसाब से देखिए और कंजर्वेटिव ट्रेड करिए। एक बार पैसा बनना तो चालू हो, लॉसेस तो कम हो, और चालू हो से मतलब ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में पैसा बन गया, एटलीस्ट आप 50 ट्रेड 100 ट्रेड देखिए तो सही, एक एक साल भर ट्रेड करके देखिए कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है देन आप अपना धीरे धीरे एक्सपोजर इंक्रीज करिए, ये मेरी एडवाइस है। आशीष, ये जो हाँ जी पोजीशन स्मॉल अकाउंट आपने जो लिखा है ना, ये स्मॉल अकाउंट जो है वो है 50,000 रुपए अभी हाँ, उसपे भी आऊंगा मैं, जिनकी तो कैपिटल उस पे भी आऊंगा मैं, उस पे नीचे मैंने लिखा हुआ है कि उनको क्या करना है, हाँ, 50,000 1 लाख 2 लाख वाले लोगों को क्या करना है, इंडिया में उस पे भी आऊंगा। कहानी तो और यही है, जो हाँ ग्रोथ हुआ है पिछले 2 साल में डिस्काउंट ब्रोकर्स में, उसमें एवरेज बैलेंस कितना है? 1-2 लाख रुपए है, तो उनको तो ऑप्शन हमने ट्रेडिंग नहीं तो करनी ब्लैक चाहिए वो। स्वान इवेंट देखा ही नहीं है ना अभी, तो ब्लैक स्वान इवेंट तो उन लोगों ने देखा ही नहीं है, तो उनको तो हाँ लग सारे रहा है तो ना कि 2020। मेरे को सेबी ने इंट्राडे मार्जिन क्यों हटा दिया, क्यों ना हमको और लिमिट दे रहा है, 20 टाइम्स हमको देना चाहिए, तो हाउ डू वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से जिनकी भी कैपिटल 5 लाख रुपए से कम है उनको एफएनओ में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट इज वेरी रिस्की, आप बाइंग भी करेंगे तो भी उसमें रिस्क ज्यादा है, आप सेलिंग भी करेंगे तो भी रिस्क ज्यादा है, क्योंकि सेलिंग में मार्जिन ही लगता है 1.5 लाख रुपया। और आप अगर आपकी कैपिटल ही सारी 3-4 लाख रुपए है और आप दो दो लॉट निफ्टी के या बैंक निफ्टी के बेच रहे हो उस पे, तो मतलब ये हाईली रिस्की बिजनेस है, तो आप उसमें और एग्रेसिव होके ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपकी कैपिटल 5 लाख रुपए से कम है तो आप इक्विटी में ट्रेड करिए, पहले कैपिटल बिल्ड करिए उसके बाद आप एफएनओ में ट्रेड करिए। ये जो एफएनओ ट्रेडिंग का जो ऑब्सेशन लास्ट 1-2 साल में हो गया है, और स्पेशली ऑप्शन सेलिंग साइड में, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। एक्सचेंज विल नॉट लाइक दिस योर स्टेटमेंट, नीदर डिस्काउंट आई नो, ब्रोकर्स। कमाई ठीक ठीक है, तो उन अभी लोग का वही एक सही है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट हाँ बिकवा बिकवा के सब कमाई करवा रहे। चले हाँ आगे बढ़ते अभी हैं। हाँ, फिर प्रॉब्लम भी होती है ना वो टेक्निकल ग्लिच वाले दिन, कितने लोगों का कितना बड़ा नुकसान हो गया, उसके बारे में वो तो पांच फिर पांच बात सौ नहीं से करते ना, वो तो फिर सबको वो बात तो खत्म हो गई ना, फिर कौन बात कर रहा है उसके बारे में, उस दिन लग कौन गया बात लग कर गया। रहा। हाँ तो वही प्रॉब्लम है कि मतलब जब तक इसको एज अ बिजनेस नहीं ट्रीट करेंगे, जब तक इसको वैसे नहीं देखेंगे, तब तक पैसा बनाना मुश्किल है। इसीलिए वी नीड पीपल लाइक आशीष टू कम फॉरवर्ड एंड रिकॉर्ड फेस टू फेस एंड टॉक अबाउट रियलिटीज, नॉट जस्ट गिव यस रोजी आई पिक। एम या सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं वही बोल रहा था कि मैं सिर्फ रोजी पिक्चर नहीं दे रहा हूँ, मतलब ऐसे ड्रीम सेल नहीं कर रहा हूँ कि आपको शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, पैसा बनता है, बट आपकी एक जो एक्सपेक्टेशन है वो सही सेट होनी चाहिए। आप ये नहीं सोचिए कि आप 2 लाख रुपए की कैपिटल से आएंगे और उसको 1 साल 2 साल के अंदर 10 लाख में कन्वर्ट कर देंगे, आप ये सोचिए कि आप 2 लाख, अगर 2 लाख की कैपिटल से आ रहे हैं तो पहले 1 साल आप कैपिटल ब्लो अप नहीं होने देंगे, और मे बी 10% 12% 15% बनाने की कोशिश करें। अगर आप उस इंटेंशन से मार्केट में स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके उसको ऐड करते हैं, देन इट्स इट बिकम्स रियली इजी टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट। अगर आई एक्सपेक्टेशन ही अग्री, उल्टा है कि 2 लाख को 10 लाख में बदलना है, और कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें हम सोचते हैं कि 2 लाख रुपए को 10 लाख में कन्वर्ट कर देंगे 1-2 साल में? एक भी चरस का बिजनेस बिजनेस, बताइए आप जिसमें, चरस चरस का चरस का बिजनेस, तो वो चरस चरस लेके ही ट्रेडिंग कर रहे हैं ना फिर वो मजाक कर रहा हूं। आई दोस्तों, मेरा कोई लेना ठीक देना नहीं उस बिजनेस से, मैं मजाक कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते। है सर, तो ये मैंने लार्ज अकाउंट के लिए बता रखा है, जैसे 1 CR+ जो अकाउंट्स है, तो इसमें 2-3 ट्रेड्स बताई हुई है, तो वो सीधे ट्रेड्स ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये इन्फी का लास्ट क्वार्टर में हुआ था कि 2020 में हुआ था कि रिजल्ट डे जो था उस दिन रिजल्ट अच्छे आए और इन्फी ने 10% गैप अप किया। तो अगर आपने कोई स्ट्रेंगल बेचा हुआ है इन्फी में,
ठीक है, और अगर आपने नोशनल बेस्ड ट्रेडिंग की हुई है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर कैपिटल जो है वो 1 CR के आसपास है, 1 CR है, तो आप एक स्टॉक में जो एक्सपोजर है वो 20 लाख से ज्यादा मत रखिए, एक स्टॉक। ठीक है। अब छोटे अकाउंट्स के लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर छोटे अकाउंट्स है 15 लाख है, और हर लॉट का, हर स्टॉक ऑप्शन का एक्सपोजर कम से कम 5-6 लाख रुपए तो है ही, तो वो 20% वाला रूल वहां अप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़े अकाउंट्स जो हैं उनमें आप ये 50 लाख और अबव में भी अप्लाई हो जाएगा कि आप एक स्टॉक में 20% से ज्यादा एक्सपोजर मत लीजिए। तो अगर इन्फी की मैंने ट्रेड डाली अर्निंग्स की, तो उस इन्फी की ट्रेड में मेरे को जो लॉस आएगा, अगर मैंने बेचा हुआ है तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखा हुआ है, वो केवल 1.1% आएगा। अब वो क्वार्टर ऐसा था जिसमें मैंने भी इन्फी में ट्रेड डाली थी एंड आई वाज एग्रेसिव, तो मैंने, मेरा जो एक्सपोजर था वो 40% तक था, तो मेरे को वो दिन 2% से ज्यादा कैपिटल लॉस हुआ। उस दिन मैंने अपना इसको और थोड़ा कंजर्वेटिव किया कि एक स्टॉक में इतना एक्सपोजर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर कुछ बड़ा हो रहा है किसी स्टॉक में तो आपकी कैपिटल 2% एक दिन में जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोग तो एक एक दिन में 2-2, 4-4% उनकी कैपिटल इधर उधर होती है, बट मेरे लिए ना तो कभी मतलब इतना ज्यादा 2% एक दिन में गेन हो जाए ऐसा भी नहीं होता, और ना मेरे लिए कभी ऐसा होता कि एक दिन में 2% एकदम से उठ जाए। तो उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि इसको और कंजर्वेटिव करते हैं और 20% से ज्यादा एक स्टॉक में एक्सपोजर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो सेम एक दो एग्जाम्पल और लिए हुए हैं, जैसे यस बैंक का मैंने एग्जाम्पल डाला हुआ है, ऑल्दो इसमें मेरी ट्रेड नहीं थी। यस बैंक में अप्रैल 2019 में स्टॉक 10% नीचे ओपन हुआ, और वहां से गिरते 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 वो 30% जाके नीचे क्लोज हुआ। तो अगर आप ये 20% वाला रूल आपने फॉलो किया है कि मेरी एक स्टॉक में 20% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होगा, तो आप उस यस बैंक वाली ट्रेड में भी आपका जो लॉस है वो अराउंड 2.6%, मैंने ये सब एनएसई के हिस्टोरिकल ऑप्शन प्राइसिंग का डेटा लेके सब ये टेस्ट, ये कैलकुलेशन करके ये रिजल्ट डाले हुए हैं। तो 30% मूव आने के बाद भी आपका कैपिटल लॉस अगर 2.6% हो रहा है, तो ये अच्छी पोजीशन साइजिंग। ठीक गॉट इट। है, तो इसी पोजीशन साइजिंग के बेसिस पे मैंने ब्लैक स्वान के बारे में भी बात की कि अगर ब्लैक स्वान हो जाता है तो मेरी, अगर मैंने, मेरी जो रफ कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अगर मेरा 2x एक्सपोजर है तो 15 से 20% का कैपिटल लॉस होना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी ये, तो एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता, बट अभी ट्विटर पे एक डिस्कशन चल रहा था जिसमें यही सब बातें हो रही थी, तो उस दिन मैंने सारी पोजीशन जो मेरी ओवरनाइट पोजीशन थी सबको मैंने ऑप्सरा पे डाला, और सबका मैंने देखा कि नेक्स्ट डे सब पोजीशन 10% गैप डाउन ओपन हो रही है। ठीक है, और उसके बाद मैंने वॉलेटिलिटी जंप लिया 50% का, कि 10% गैप डाउन हो रही है और आईवीज जो है वो 50% बढ़ गई है। तो उसके हिसाब से जो मेरी पोजीशंस थी उसमें अराउंड 15%, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने ट्वीट किया है वो, तो अराउंड 15% का लॉस दिख रहा था मैं कैपिटल। और आपने उसकी स्ट्रेस टेस्ट मैंने कर ली। स्ट्रेस टेस्ट, तो सर जब तक स्ट्रेस आएगी नहीं तब तक वो एक्चुअली टेस्ट नहीं होगा, बट हाँ ये बात भी सही है। एक एक रफ आइडिया मिल गया कि हाँ उतना हो सकता है। तो 15-20% मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि होता है, 25% हो गया पॉसिबिलिटी है, उससे ज्यादा होगा तो आई विल बी शॉक, और ये रिस्क ऑफ रूइन में भी आएगी। लॉजिकल है। वैसे आशीष, कितना हाँ जी, आरओई पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट एग्जैक्ट कैपिटल मत बताना, बट कितना रिटर्न ऑन कैपिटल साल के एंड में टारगेट करते हो? मैं 30% टारगेट करता हूँ। मैं, क्योंकि मेरी कंजर्वेटिव ट्रेडिंग है, इतनी ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन साइजिंग नहीं है, तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं 30% टारगेट करता हूँ। 2019 में मेरा 30% था, 32% था रिटर्न जब से मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया है। 2020 में इट वाज ऑलमोस्ट 60%, और उसका रीजन ये था कि 2020 एक आउटलायर ईयर है जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही है थ्रू आउट द ईयर, तो उसका बेनिफिट मिला है, तो उसको रेप्लिकेट करना ऑब्वियसली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और मैं करना भी नहीं चाहता है कि मतलब आई गो अबाउट ट्रेडिंग कि यार इस साल मेरे को 60% बनाना है, नहीं, मेरे को 30% ही टारगेट करना है, उसके बाद जितना बन जाए वो देखेंगे।
समझ गया मैं। और तो ये जैसे क्या मैं बोल रहा था बारह कि में, सॉरी ये फॉलो ऑन एक क्वेश्चन आ बोलिए गया, बोलिए। बारह हाँ, बारह महीना में कोई ऐसा महीना जो माइनस हुआ? अप्रैल था सर, अप्रैल जो पहला सबसे पहला महीना था लास्ट फिस्कल का, उसमें मेरा हाँ 3% ड्रॉडाउन था, और ओके okay. उसके अलावा मेरा कोई भी लूजिंग मंथ नहीं था। और लास्ट के 3-4 महीने तो इतने सही थे कि ऑलमोस्ट हर महीने में 7-8% से ज़्यादा गेन हुआ। जी, क्योंकि जनवरी फरवरी और मार्च बहुत जबरदस्त मंथ थे, कोई डाउट ही बहुत नहीं है बहुत उसमें। सही मंथ्स थे। और एक 2019 से जब से मैंने स्टार्ट किया है, मेरा ड्रॉडाउन जो है वो 6% है। तो सिक्स मतलब क्या परसेंट से आपका? ज़्यादा मैंने, इसका मतलब मेरा जो भी इक्विटी कर्व है, जो जैसे अगर मेरी जो भी कैपिटल है उसका 6% से ज़्यादा लॉस ऑन अ स्ट्रेच नहीं हुआ है। ओके ओके वो 3 मंथ का पीरियड था जब मेरे 3 कंसेकेटिव मंथ्स लूजिंग थे 2019 में। जी तो एक तो ऑलमोस्ट फ्लैट था और दो में अराउंड 3-3% का लॉस था। तो अराउंड 6% का मेरा ड्रॉडाउन है, मैक्स ड्रॉडाउन इन लास्ट 2 साल। समझ गया तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जिनकी कैपिटल कम है उनको एफएनओ ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जिन जिन एक्सपर्ट्स को भी आप फॉलो कर रहे हैं, उनकी बात को ब्लाइंडली मत मानिए। ठीक है, वो उस पर डीप रिसर्च करिए आप। तो वो जो भी बोल रहे हैं, हो सकता है कि उनकी बैक टेस्ट में वो चीजें कवर ना हो, आउटलायर्स कवर ना हो, बहुत बहुत होता है ऐसा। तो मैं भी जो बोल रहा हूँ, आप उस बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 1-2 लाख कैपिटल वालों को एफएनओ ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो ये हो सकता है कि गलत हो। आप खुद उसको एनालाइज करिए, उसको समझिए, और उसके हिसाब से आप अपना खुद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। तो उसके हिसाब से मेरे को जो लगता है कि अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप स्टॉक्स में ट्रेड करिए। और इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि 20 स्टॉक में आप डिवाइड कर दीजिए अपनी कैपिटल, कि एकदम 20 से ज्यादा नहीं लूंगा और एक पॉइंट इन टाइम पे मैं 20 स्टॉक्स तक मैं पोजिशन ले सकता हूँ, और 5% एलोकेशन रहेगा मेरा हर स्टॉक को। और मैंने हर स्टॉक का प्राइस पे स्टॉप लगा रखा है कि 10% अगर प्राइस ड्रॉप हो जाएगा उस स्टॉक का तो मैं लॉस लेके निकल जाऊं। तो अगर ठीक है। एक लॉस, एक स्टॉक पे मेरा अगर स्टॉप लॉस होता है तो मेरा लॉस जो होगा वो 0.5% होगा अकाउंट साइज का। ठीक है, और अगर सारे के सारे 20 स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा लॉस जो होगा वो 10% होगा अकाउंट साइज का। ठीक है। और जो विनर्स है उनको आप होल्ड करिए। यूजुअली होता उल्टा है, लूजर्स जो है उनको हम एवरेज करते रहते हैं और होल्ड करते रहते हैं, और विनर्स जो है उसमें यार लगता है यार 4,000 रुपये लगाए थे, 500 रुपये, 1,000 रुपये आ रहे हैं, अभी इसको बुक कर लेते हैं। तो विनर्स को आप होल्ड करिए। कोई एक मैकेनिज्म, ट्रेल मैकेनिज्म आइडेंटिफाई कर लीजिए, बहुत सारे हैं। जैसे आप 3 बार लो या 5 बार लो, कि पिछले 5 दिन का लो अगर ब्रेक करेगा मेरी विनिंग पोजिशन में तो मैं निकल जाऊंगा उस पोजिशन से। तो इस टाइप का, या प्रॉफिट पे भी लगा सकते हैं कि अगर 10% फॉर एवरी 10% राइज इन स्टॉक, मैं अपना स्टॉप लॉस 5% ऊपर लेके आ जाऊंगा। तो कोई भी एक ट्रेल मैकेनिज्म लगा रखिए, लगा लीजिए, और उसके हिसाब से आप विनर्स को राइड करते रहिए, करते रहिए, और इक्विटी में ट्रेड करिए अगर कम कैपिटल है। तो ये मेरा एक एडवाइस है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग फुल टाइम। आई थिंक इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफी बात कर ली है शुरुआत में ही। जी मैंने मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है फुल टाइम ट्रेडिंग का, तो आपको इसको पूरा एकदम थॉट दे के, पूरा प्लान आउट करके इसको लेना चाहिए। फुल टाइम ट्रेडिंग से पहले आपके पास कुछ एक चीजें होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग बोलते हैं लोग, जैसे मेरी ट्रेडिंग जो है वो डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि आज गट फील आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने बाय कर लिया, ये डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग नहीं है, ये रैंडम ट्रेडिंग है। तो अगर आपकी डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग भी है तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, और अगर आपका एक सिस्टम है तो वो तो क्लियरली डिफाइंड रूल्स ऑफ एंट्री, डिफाइंड रूल्स ऑफ एग्जिट, डिफाइंड रूल्स ऑफ पोजिशन साइजिंग हो गया। तो एक कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपने ट्रेड किया हो 1 साल 2 साल, जिससे आपने कंसिस्टेंटली पैसा बनाया हो, तभी आप सोच सकते हैं कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में बात कर सकते हैं। जी उस सिस्टम को, सिस्टम पे कन्विक्शन आना एक दूसरी चीज है। अभी मतलब कैसा है कि आपको लगता है कि आप किसी का सिस्टम बोरो करेंगे,
ठीक है, और उस सिस्टम को ट्रेड करने लग जाएंगे और आपके पैसे बनने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सिस्टम जिसका है वो उसको सूट करता है, आपको सूट नहीं करेगा। मेरे को जैसे अगर कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है तो मेरे को उतनी जल्दी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम पे कन्विक्शन नहीं आता है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब बहुत सारे कंजेकेटिव लॉसेस होते हैं तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को कंजेकेटिव विनर्स अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे विनर्स। तो वो मेरी साइकोलॉजी है, तो आपकी क्या साइकोलॉजी है वो आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है। आप अगर सोचो कि किसी का सिस्टम बोरो करके उसकी साइकोलॉजी मेरी साइकोलॉजी में फिट हो जाएगी और मैं सक्सेसफुली ट्रेड करने लग जाऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। और ये एक जर्नी है, आपको टाइम लगेगा इसमें आइडेंटिफाई करने में कि क्या आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है, क्या आपको सूट करता है, क्या आपकी साइकोलॉजी है। तो उस सब के बारे में कोई बात नहीं करता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी और सिस्टम से ज्यादा। और आप इसको मैराथन की तरह से ट्रीट करिए, स्प्रिंट नहीं है कि 6 महीने में कैपिटल डबल कर दिया, 1 साल में कैपिटल डबल कर दिया, वैसा ट्विटर पर होता है, बहुत होता है, बट रियल लाइफ ट्रेडिंग में कितना होता है मुझे नहीं पता। कैपिटल अमाउंट पे हमने बात कर ली कि 6 to 8 times और एनुअल एक्सपेंसेस होने चाहिए। लास्टली आपको अपना नेचर जो है वो मार्केट में ऐसा रखना है कि आपको रेडी टू चेंज, आप रेडी टू चेंज होने चाहिए, मतलब अडेप्ट और डाई, ये बहुत ट्रू है मार्केट्स के लिए। तो जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 2020 के पहले, कोविड के पहले जब मार्केट नीचे जाता था तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स बहुत जल्दी बढ़ते थे, वोलेटिलिटी जल्दी बढ़ती थी, विक्स जल्दी बढ़ता था और ऑप्शंस के प्रीमियम्स जल्दी बढ़ते थे। अभी 2020 के बाद थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो वोलेटिलिटी जल्दी बढ़ती है। तो पहले मेरी जो ट्रेडिंग थी उसमें अगर नीचे की मूव आ रही है तो मैं एग्रेसिवली एडजस्ट करता था या लूजर्स को एग्रेसिवली कट करने की कोशिश करता था। बट अभी 2020 के बाद थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मार्केट अगर ऊपर में जल्दी जल्दी भाग रहा है तो मैं वहां पे पोजीशन को एग्रेसिवली या तो एडजस्ट करूंगा या फिर उनको लॉस लेने की कोशिश करूंगा। अभी मैं नीचे अगर मार्केट जाता है तो उतना जल्दी मैं पैनिक या एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन नहीं आती है। तो ये मार्केट्स का नेचर है और आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल अडेप्ट करती रहनी चाहिए। जैसे अभी मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है डेल्टा न्यूट्रल की, ठीक है, तो उसमें मैं लॉन्ग शॉर्ट ज्यादा नहीं करता हूँ। बट पिछले कुछ टाइम से मैं एक सिस्टम पे काम कर रहा हूँ जिसमें लॉन्ग ओनली सिस्टम है वो, तो उसमें मैं इक्विटीज में ट्रेड कर रहा हूँ और बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल्स और कुछ एक मोमेंटम बेस्ड मैंने उसमें आइडियाज डाले हुए हैं, तो उसके बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ। और अपनी बहुत छोटी कैपिटल उसमें लगाई है मैंने अप्रैल से। तो ये वो सिस्टम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स है कि उस सिस्टम को मैंने स्टार्ट किया है अप्रैल से और उसमें अराउंड अप्रैल और मई 2 महीने में अभी अराउंड 11% का उसमें रिटर्न है। तो उसमें कुछ एक स्टॉक जैसे आप देखिए टीसीआई एक्सप्रेस है, मैंने 942 पे बाय किया था और उसमें अभी 36% का रिटर्न है और ये ट्रेड ओपन है अभी, इसको मैंने बुक नहीं किया है। ठीक है, तो ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे मैंने अभी किया है, तो अगर ये चलेगा तो इसको आगे और करेंगे। तो आपको ऐसे अडेप्ट करते रहना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो अभी ये सिस्टम जो है वो मैं अभी अपने पर्सनल अकाउंट में यूज कर रहा हूँ, अगर ये अच्छा चलेगा, 1-2 क्वार्टर देखने वाला हूँ मैं इसको, अगर अच्छा चलेगा तो फिर मैं जो फंड्स भी मैनेज कर रहा हूँ। तो ये आप थॉट प्रोसेस देखिए कि एकदम इमीडिएटली किसी पे ये नहीं कर सकते कि यार ये सिस्टम मिल गया, 3 महीने चल गया तो आप अज्यूम कर लें कि ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। ये आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर देना पड़ेगा, तब तब जाके कहीं आप कह सकते हैं कि हाँ ये सिस्टम ठीक है। मेरे स्टाइल के बारे में, मेरी ट्रेडिंग के बारे में, मेरी पोजीशन साइजिंग के बारे में तो ये सब बातें हो गई विवेक। अभी ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें मैं थोड़ी ट्रेनिंग्स की बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी अगर मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि आप कौन सी ट्रेडिंग अच्छी है, कौन सी ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए, इसकी ट्रेडिंग अच्छी है क्या, उसकी ट्रेडिंग अच्छी है क्या, तो मेरा ऐसा एक बहुत कॉमन बिलीफ है कि आप किसी की ट्रेनिंग अटेंड करके आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि जो ट्रेनिंग आपको, अगर ट्रेनिंग में क्या सिखाएंगे, या तो आपको कोई सिस्टम सिखाएंगे या फिर साइकोलॉजी, ऑप्शंस की ग्रीक्स, ऑप्शंस की पोजीशन, स्ट्रेटजी, फायर फाइटिंग और ये सब सिखाएंगे। तो अगर सेकंड चीज है कि ऑप्शंस के बेसिक बता रहे हैं आपको या फायर फाइटिंग बता रहे हैं, तो ये सब तो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं।
और अगर सिस्टम बता रहे हैं तो सिस्टम अगर इतना ही अच्छा है उनका तो वो सेल क्यों कर रहे हैं अपना सिस्टम। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी 2019 में, जब मैं यू नो डायरेक्शनली थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, तो उस ट्रेनिंग के अटेंड करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि वो जो सेटअप्स हैं उनसे पैसे नहीं बन रहे। तो फिर मैंने वो सिस्टम्स बैक टेस्ट किए, तो बैक टेस्ट करने के बाद पता चला कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग सिस्टम है आउट ऑफ दोस फोर सिस्टम्स, इट इज गिविंग मी अ CAGR ऑफ 15%। एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड बाई दैट कि हाउ कैन समवन सेल अ सिस्टम विच एज अ CAGR ऑफ 15%। तो मोस्टली अगर आप ऐसी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं जिसमें सिस्टम बेच रहे हैं, तो आप पहले सिस्टम की बैक टेस्ट रिपोर्ट मांगिए उनसे। अगर और आप उनसे ये कंफर्मेशन लीजिए कि मैं उसको बैक टेस्ट कराऊंगा, अगर मेरे बैक टेस्ट और आपके बैक टेस्ट में डिफरेंस है तो आप मेरा अमाउंट रिफंड करेंगे। ये रिसेंटली ये एक रिनाउंड ट्रेडर है जो दूसरे लोगों की ट्रेनिंग्स अटेंड करता रहता है, मेरी उससे ट्विटर पर बात होती है, तो उसने मुझे हाँ बताया कि उसने एक ऐसे ही सिस्टम ट्रेडर की ट्रेडिंग ली और वो सारी उसकी ट्रेडिंग जो है वो एल्गो बेस्ड है। हाँ हाँ तो उसने खुद बैक टेस्ट कर लिया सिस्टम उनका, तो उसने हाँ बोला कि हाँ यार आपका तो बैक टेस्ट और मेरा बैक टेस्ट में बहुत स्टार्क डिफरेंस है। तो हाँ थैंकफुली उसको उसका रिफंड मिल गया उस ट्रेडिंग का। तो ऐसा भी लोग करते हैं कि बैक टेस्ट में कुछ दिखा देंगे आपको और एक्चुअली सिस्टम का कुछ और ही होगा। जा सेकेंडली मैं बोलता हूँ आप MTM स्क्रीनशॉट्स देख के बहुत ज्यादा मेसमराइज मत होइए। ये MTM स्क्रीनशॉट्स फेक भी हो सकते हैं और अच्छे सही भी हो सकते हैं। मैं वो डिबेट ही नहीं कर रहा हूँ कि वो सही है या फेक है। अगर सही भी है तो उनका जो रिस्क एपिटाइट है, उनका जो मार्केट में उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है ट्रेडिंग को, ये सब बहुत डिफरेंट है आपसे। तो आप अगर सोच रहे हो कि आप वो MTM स्क्रीनशॉट आप रेप्लीकेट कर लोगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, बिकॉज ट्रेनिंग हर तरह की अवेलेबल है। अभी आपको 200-500 रुपए की ट्रेनिंग से लेकर 2 लाख तक की ट्रेनिंग अवेलेबल है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी करनी है या नहीं करनी है। मैंने पर्सनली एक ट्रेनिंग अटेंड की है जिससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बाकी मेरी सारी लर्निंग जो है वो वेब बेस्ड, बुक्स बेस्ड और इसी से है। तो अगर आपको भी सक्सेसफुली ट्रेड करना है तो ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं कि हमको लगता है कि एक शॉर्टकट मिल जाए, एक सेटअप मिल जाए। बट ये हम वही बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हम भूल जाते हैं कि सेटअप के बारे में नहीं है सक्सेसफुल ट्रेडिंग। तो ये एक जर्नी है, आप इसको जर्नी की तरह से ट्रीट करिए और हार्ड वर्क करिए, एफर्ट लगाइए, तब आपको सक्सेस दिखेगी। अगर आप ये शॉर्टकट से कि एक वेबिनार या एक मेंटरशिप या एक इंडिकेटर इस टाइप का कुछ बाय कर लिया और उससे आपके पैसे बनने लगे, तो ये स्टूपिडिटी है मेरे हिसाब से। फेयर पॉइंट. और ये लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है कि आपको जज करना है कि अगर कोई ट्रेनर है वो बढ़िया ट्रेडर है भी या नहीं, तो आप सिंपल उनसे पूछिए कि आप अपना लेजर शेयर कर सकते हैं क्या। अगर आप सिस्टम ट्रेडर हैं, आप सिस्टम उस सिस्टम को ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका खुद का भी तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होगा ही ना। तो आप दिखाइए अपना लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल कितना लेजर दिखा सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने 2-3 लोगों को अप्रोच किया ट्रेडिंग के लिए और मैंने उनसे यही बोला, द रेस्पॉन्स आई गॉट वॉज कि उन्होंने मेरे को ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा भी होता है। तो आप खुद ये डिसीजन लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ट्रेनर अच्छा है जिससे आपको एक्चुअली में बेनिफिट हो सकता है, और एक डीप रिसर्च के बाद आप कोई ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, वो रश करेक्ट, में ट्रेनिंग मत अटेंड कीजिए। इस पे भी आई मैंने एग्री. ब्लॉग्स लिखे हुए हैं जिनके लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आशीष, ये वाला जो PPT है ये आपके गूगल डॉक में ही है, तो आप मेरे को इसका हाँ ही मैं, लिंक शेयर कर दीजिएगा. हाँ, ऑसम. ये है आपका ट्विटर ओके हैंडल, ये मुझे बोलने दीजिए कि ये है आशीष का ट्विटर हैंडल, इसको जरूर फॉलो करना है, बिकॉज आई थिंक आशीष में मैं अपने आप को देख रहा हूँ. ऑल्दो थोड़ा बड़ा हूँ आपसे, वैसे 2001-02 में चालू किया था जर्नी ट्रेडिंग का, बट आप जो भी बातें आपने कही है सटैक है, एकदम सटैक है. लास्ट स्लाइड तक भी, ट्रेनिंग वाली भी, मैं आपकी पूरी बात को एग्री करता हूँ कि ठोक बजा के देखो थैंक कौन यू। सही आदमी है और उसका ट्रेनिंग अटेंड करो, करना है तो. और ऊपर से नीचे तक सारी बातें बहुत सही है, तो मजा आया आपके साथ ये रिकॉर्ड करने में, बहुत मजा आया. थैंक यू विवेक, प्लेजर वॉज ऑल माइन, आई रियली एंजॉयड डूइंग दिस। क्या है, दिखता है आशीष, दिखता है कि कोई जेन्युइन ट्रेडर है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है,
उनके लिए काम कर रहा है ट्रेडिंग करके, जो बिलीव करता है कि पैसा बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज फैमिली को चलाना है तो पैसा बनना जरूरी है. इट्स नॉट अ वीडियो गेम, इट्स जेन्युइन ट्रेडिंग राइट फॉर लिविंग विच यू आर डूइंग. सो आई एम रियली इम्प्रेस विथ योर अप्रोच. थैंक्स थैंक्स विवेक, थैंक यू सो मच. सो थैंक्स फॉर रिकॉर्डिंग दिस वन. बिफोर वी क्लोज, कुछ आप और बोलना चाहेंगे? माई लर्नर्स विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू और ट्विटर, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप या उनको उनको जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें. बट एनीथिंग यू वॉन्ट टू क्लोज? मेरा ट्विटर डीएम ओपन है, मैंने ट्विटर आईडी दी हुई है, डीएम ओपन है अभी भी. ऑलरेडी मेरे को जितने डीएम आते हैं आई ट्राई टू रेस्पॉन्ड टू मोस्ट ऑफ देम. कुछ अब्यूजेस होते हैं उनको मैं इग्नोर कर देता हूँ, बाकी मोस्टली आई रेस्पॉन्ड टू एवरीवन ऑन द डीएम. तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप सीधे टैग भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग डीएम, तो उस पर जल्दी रेस्पॉन्स कर दूंगा मैं. और मैं सोचता हूँ ये वीडियो लाइव होने के बाद मे बी एक थोड़े टाइम बाद मैं एक ट्विटर स्पेसेस सेशन कर लूंगा, जिसमें लोगों को जी अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो वो उस ट्विटर स्पेसेस सेशन में पूछ सकते हैं. फैंटास्टिक, वेरी गुड. सो दैट आई विल बी विश ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पायरिंग. आई वाज जस्ट विशिंग गुड लक टू ऑल द एस्पायरिंग ट्रेडर्स. और जैसा मैंने बोला कि आप इसको शॉर्टकट और मतलब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा बनाना ऐसे अप्रोच से मत आइए बस, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे. एब्सोल्युटली. थैंक यू आशीष, एंड थैंक यू फॉर गिविंग यू लवली कंटेंट. दोस्तों मजा आया होगा, मुझे बहुत आया, और आपको भी आना चाहिए. और नहीं समझ में आया कई चीजें तो वापस से वीडियो देखिएगा, आशीष से कनेक्ट कीजिएगा. टेक्निकल टर्म समझना हो तो आशीष इज रियली लुकिंग एज समवन हु कैन हेल्प यू इन द राइट मैनर. सो आप ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का. और मार्केट में ट्रेडिंग लंबे दौर पे के लिए करना है, वीडियो गेम नहीं खेलना है. बार बार बोल रहा हूँ नहीं खेलना है. ये सब ल्योरिंग है, ये सब ट्विटर डिस्काउंट ब्रोकिंग ये वो ल्योरिंग है. मत फंसिए ये सब चीजों में, बहुत फैमिलीज डिस्ट्रॉय होती हैं ये सब ल्योरिंग से. सो पेस योर मार्केट पार्टिसिपेशन इन द राइट मैनर. थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग अस इन आवर एंडेवर्स. थैंक यू आशीष, बाय बाय. थैंक्स विवेक, बाय बाय, हैव अ गुड डे. थैंक यू.